शुक्ला ने वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर चर्चा करते हुए बताया कि EFIR आम नागरिकों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगी और अब संपूर्ण जिले में निवास करने वाले लोग किसी भी समय परेशानी में FIR दर्ज करा सकेंगे अपने मोबाइल से घर बैठे और साथ ही उनके द्वारा की गई FIR पर कार्यवाही भी घर बैठे ही देख सकेंगे ताकि उन्हें पूर्ण संतुष्टि हो सके कि उनकी शिकायत FIR पर पुलिस काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कई बार आम नागरिक अपने क्षेत्रीय थाने पर जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट करते हैं, उस दौरान वृद्ध दिव्यांग निःशक्त जनों को और अन्य जनों को आने जाने के दौरान दिक्कत समस्या परेशानी आती थी और उससे उन्हें निजात मिलेगी। परिवार के सदस्य मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही पुलिस की मदद मांग सकेंगे और EFIR दर्ज करा सकेंगे। पुलिस FIR दर्ज करने के बाद कार्रवाई करेगी और उनकी समस्या का निदान करेगी। साथ ही पुलिस के द्वारा वीडियो भी जारी किया गया है ताकि लोग जान सके और समझ सके और एक जागरूक नागरिक बन सके। EFIR को लेकर किस प्रकार से लोग इसका लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से क्या प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी योजना है EFIR की, घर बैठे ही आप क्या कहते हैं इसमें कर सकते हैं। इसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। सामान्य तौर पर अभी जो शुरुआत के तौर पर हमने इसमें चोरी के मामलों को लिया है और अभी तक आज के दिनांक तक हमारे ज़िले में 18 EFIR दर्ज की गई है और हमारा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग शासन द्वारा ये जो सुविधा प्रदान की गई है इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। बहुत ही सहज और सरल प्रक्रिया के अंतर्गत इस को किया जा सकता है, जिसके संदर्भ में हमने सोशल मीडिया और बाकी जो मीडिया के माध्यम है उससे इसका प्रचार प्रसार भी किया है, वीडियोज़ भी जारी किए हैं, उससे आप सभी चीज़ें जान सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, यही मेरी अपील है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।